एक बहुत ही अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हम कहते हैं ड्राइविंग करते हुए डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, फोन नहीं सुनना चाहिए। आपको पता है अगर कोई शख्स ड्राइव करते हुए फोन पे बात कर रहा हो तो उसका 500 रुपए का चालान हो जाता है। लेकिन जो फोन के अलावा डिस्ट्रैक्शन हैं जो जानबूझ के रोड पे क्रिएट की गई हैं, जैसा कि ये पीछे वीडियो में आप देख रहे हैं, डीएचए में लाहौर डीएचए में जब आप एंटर होते हैं डिफेंस मोड से, तो आप देखेंगे पूरे डीएचए में हर सड़क के दरमियान में डिवाइडर के ऊपर एलसीडीज लगी हुई हैं और उन पे मुसलसल ऐड चल रहे होते हैं, सारे मशहूर ब्रांड्स के ऐड चल रहे होते हैं और वो रात को खास तौर पे इतनी ज़्यादा लाइट, उसकी खास तौर पे जो वाइट कलर के एड्स होते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो इतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और हर शख्स देखता है कि यह पिज्ज़ा पे ऐड है, बर्गर पे ऐड है, ये कपड़ों के किसी ब्रांड पे ऐड है, ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन ड्राइव कर रही हों और मर्द ड्राइव कर रहे हों, खाने और कपड़ों का कंपेरिजन चल रहा होता है, उसमें 100% चांसेस हैं कि उनकी वो डिस्ट्रैक्ट हो, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो ड्राइविंग से एड्स की तरफ और ऐसे में एक्सीडेंट होने का कितने परसेंट चांसेस हैं। सो आप क्या समझते हैं कि रोड के ऊपर ये जो एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है इसको कंट्रोल करना चाहिए, कौन कंट्रोल करेगा, क्या वाकई इसके हमारी ड्राइविंग सेफ्टी है जो उस पे असरअंदाज हो रहे हैं ये एड्स और ये एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कैंपेन्स? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय क्या है इस बारे में। शुक्रिया।